नमस्कार, मैं मिसेज पूजा नरवाल आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सफाई के साथ सलवार का पोचा बनाना सीखेंगे, तो चलिए सीखते हैं। यहां पर मैंने सलवार की कटिंग करके उसको जोड़ लिया है और यह है बॉटम का निचला पार्ट है जहां पर हमें पोंचे बनाने हैं। यहाँ पर मैंने फोम की 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और उस पर कपड़ा अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपनी सलवार की सीधी साइड बॉटम पर नीचे रखेंगे और एक पाँव का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम पक्की सिलाई का प्रयोग करेंगे, इस तरह से हमारा जो पोंचा है वो बॉटम से अटैच हो जाएगा। यह देखिए, हमारा पोचा बॉटम से अटैच हो गया है। अब हम इसे सीधा करते हुए इसको किनारे से न लेकर एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए, यह देखिए जैसे आपको दिख रहा है, अब हम इसकी किनारी से पक्की सिलाई लगाएंगे। नीचे की सिलाई लगाते हुए हाथ को थोड़ा जचा कर लगाएं क्योंकि यह इधर उधर हो सकती है। अब हम एक पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। यह देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम सेम ऐसे ही एक एक पाँव का मार्जिन देते हुए सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हम इसमें बीच में पैटर्न बनाने के लिए अपनी मशीन की सेटिंग करेंगे। हम इसकी चाल को 3 पर और इसके जिगजैग पैटर्न को 1 पर सेट करेंगे। अपनी मशीन के जो है नीचे हम जिगजैग फुट जो होता है उसको चढ़ाएंगे और जहाँ पर ये गैप है इनके बीच में हम जिगजैग अपनी मशीन को चलाएंगे। अगर आपके पास जिगजैग मशीन नहीं है तो आप अपने हाथ को जिगजैग पैटर्न में घुमाते हुए भी यहाँ पर डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह के डिजाइन से हमारा पोंचा एकदम भरा भरा और डिजाइनर दिखता है। यह देखिए, हमने एक में जिगजैग कर लिया है। अब हम सभी पट्टियों में जिगजैग ऐसे ही कर लेंगे। यह देखिए, हमारा पोंचा एकदम तैयार हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।